अर्चना जी, कल सर्कस की टीम के साथ कितना मजा किया हमने। बहुत मजा आया। हालांकि अभी भी उनकी आधी स्टार कास्ट जो थी वो मौजूद नहीं थी, और आज हम सोच रहे हैं कि उनको भी बुलाएं। लेकिन मेरे को ये टेंशन है कि कोई ना कोई रह ना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। तो मैं चाहता हूं कि मैं हेडमास्टर साहब को, यानी कि फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहां मंच पे बुलाऊं और वो खुद आके अटेंडेंस लें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित शेट्टी। सर मेरे को टेंशन हो रही थी मैं कहीं कोई आर्टिस्ट का नाम ना भूल जाऊं। अरे मैं पूरी लिस्ट लेके आया। सर अटेंडेंस हो जाए एक बार अपनी कास्ट की। ओके, बाकियों की शूटिंग चल रही है, नाम ले लेता हूं, यहाँ है नहीं। जॉनी लीवर, संजय मिश्रा एंड मुकेश तिवारी। वाओ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर्कस की टीम के लिए। अब भी ये सारे एक फ्रेम में आएंगे नहीं? नहीं, आधा प्रोग्राम सोनी पे आएगा, आधा सब टीवी पे आएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इतना मजा आना रोहित सर, आपकी जब फिल्म आती है और ये पूरी कास्ट जो साथ में जाती है ना, ये बड़ा मजा आता है देख के। आप सब लोग दिल से जा रहे हैं कि आपकी पेमेंट रोकी हुई इन्होंने? बोलिए अश्विनी जी। हेलो। हाय मैम, कैसे हैं आप? आपने आते ही मुझे नमस्ते कर दिया, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। नहीं, मुझे पीछे लोगों ने कहा था कि आप गुस्सा मत होइए, मैं दरअसल मुझे मेरी ऐसी रेपुटेशन है, मैं बड़ी नाराज वगैरह होती हूँ। मुझे बोला कि वो थोड़ी फ्लर्ट वर्ट कर लेंगे, तो आपने मम्मी तरह नमस्ते ही कर दिया। अश्विनी बेबी यू नो व्हाट, वो थोड़ा मैं तो बंदे गिन रहा था कि कुछ छूट ना जाए। आज तो हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि वो आपको देखना है कि आप उनको देखना है। मेरा भाई सिद्धू कॉमेडी सर्कस के टाइम का मेरा यार, और आज जॉनी भाई नहीं आए, उन्होंने अपने बाल भेजे। तो आपको जहां जहां जगह मिल रही है आप लोग प्लीज विराजमान हो जाइए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड सब मेहमानों के साथ हम कल भी शूट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास सोफा का अरेंजमेंट नहीं था। तो हमारे बगल में बच्चन साहब का केबीसी का सेट लगा हुआ है, हमने वहां से मंगवाए। आज बच्चन साहब खड़े होकर शूट कर रहे हैं। सुलभा जी, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई हैं। बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं देखती हूँ आपका शो। शुक्रिया शुक्रिया सुलभा जी, इतनी जल्दी बोल रही, आगे भी जाना कहीं प्रमोशन के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से बहुत सारे शायद पैदा भी नहीं होंगे। अभी जैसे कपिल का शो इतना पॉपुलर है, कॉमेडी शो, ऐसे 80s में DD पे एक शो आता था, ये जो है जिंदगी, जो कि बहुत पॉपुलर था। उस बात को आज 40 साल होने हैं, और उसके जो दो मेन किरदार थे वो सुलभा जी और टीकू जी। पहले गवर्नमेंट ने सुलभा जी से पूछा था कि आप एक्टिंग करेंगी तो हम टेलीविजन लाएं। टेलीविजन बाद में आया एक्चुअली। और सुलभा जी ने 100 से ज्यादा तकरीबन फिल्में कर चुकी हैं और बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं। अच्छा सुलभा जी, हमारे शो पे कोई भी आए, कितना भी सीनियर एक्टर आए, अर्चना जी उनसे पुरानी निकलती हैं। मेरे को खाली ये, अरे सेम टाइम पे, एक मिनट, सेम टाइम पे डीडी पे सुबह संडे के दिन अर्चना जी का भी तो शो आता था, वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला, मिस्टर या मिसेस, हाँ वो भी तभी का ही है। अरे ये फूल लगा के न्यूज भी पढ़ती थी। सुलभा जी आपको देखा, आप इतनी कमाल की एक्टर हैं, पर शुरुआत आपसे कर रहे हैं क्योंकि आपके ना बड़े टेंशन वाले रोल बड़े किए हैं आपने। मैंने उदास अच्छा। बड़ा रही है, ये जो है जिंदगी तो बड़ा मजेदार था। ज्यादातर फिल्मों में मैंने देखा इनके ना बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, पति अरेस्ट हो गया, बहू ने धक्के मार के घर से निकाल दिया है। आपने कभी अपनी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी पंडित को दिखाई है कि फिल्में तो बड़ी आ रही हैं, खुशी वाले सीन नहीं आ रहे? नहीं सर, जब मैंने करना देखना शुरू किया तो मैंने कहा मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। आए हाय, पंडित के पहुंचना क्या। और लिखी मैंने, और कॉमेडी रोल भी किया, और आज यहाँ पे बैठी हूँ। क्या बात है, एक। बट सुलभा जी आप बहुत लकी हैं कि आपको दोनों किस्म के रोल्स में लोगों ने पसंद किया। हम लोगों को तो बिल्कुल टाइप कास्ट कर दिया कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं। क्यों नहीं, आपको वो रोल तो मिला था डाकू मोहर सिंह का, आपने मना कर दिया। ये भी किसी किसी को ब्लेसिंग होती है सुलभा जी बैठे बैठे। पर रोहित सर, टीकू सर, क्या बात है, उन्होंने कास्टिंग जो आपने की ना, बड़े लकी हैं। आपको पता है ये इकलौते ऐसे शख्स हैं
जिनको बैक टू बैक वो अवार्ड मिला है कपिल शर्मा शो में आने का अभी पिछले अभी पिछले हफ्ते असरानी साहब के साथ आए थे तो उन्होंने तो किसी को बोलने नहीं दिया हमें भी नहीं बोलने दिया तो आज आप सर्कस की प्रमोशन के लिए आए हैं या पिछले जो आपके सवाल रह गए थे उनका जवाब देने आए हैं सर्कस के लिए ही आया हूँ हाउ स्वीट टिकू सर अर्जुना ये डू यू नो टिकू जी इज अ बाइकर दोस्तों के साथ गोवा गए हुए थे हमने फोन किया कि आना है तो फ्लाइट पकड़ के आए 4 बजे की फ्लाइट से फिर जा रहे हैं ताकि आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें व्हाट अ डूड सो स्वीट सो ये शौक कब से हुआ टिकू जब से पीछे कोई बैठने वाला मिल गया तब से जैसे मैंने कहा ना कि सुलभा जी के जो किरदारों को बड़ी टेंशन रहती है वैसे टिकू सर भी बेचारे इनसे लूटपाट ही होती रही फिल्मों में कभी अक्षय पाजी लूट के ले गए कभी कोई अश्विनी जी अश्विनी जी आपको हम कब से देख रहे हैं टीवी में फिल्मों में आप पता है जब आप साड़ी पहनकर बिंदी लगा के आती हैं जब आप स्पेशली जब आप CID कर रही थी मैं दिल से दुआ करता था कि ACB प्रद्युमन से पहले सबूत आपको मिल जाए ताकि आपकी तरक्की हो जाए लेकिन नहीं हुई कभी खतरनाक अपराधी को पकड़ने जाती लेकिन तो हमें... उस वक्त ना भले ही लाश मेरे सामने हो तो भी पुलिस का फर्ज है कि मैं जाके उस लाश को छूं और कुछ देखूं फिर भी हमें चिल्ला रहा था सर लाश यहाँ है तो तू क्यों है अरे तो तुझे क्यों पगार दे रहे हो पुलिस हो ना तो सर फिर सर आएंगे वहां से अच्छा अब तुम देखो उसकी पॉकेट में क्या है फिर पॉकेट में सर पॉकेट में कुछ है देखो बट आई हैव टू टेल यू मेरे और मेरे भाई का फेवरेट शो था CID वी हैव सीन इट सो मच कि हम दोनों ने अपना खुद का एक एजेंसी चालू किया था इट वाज द हेडी एजेंसी और हम छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करते थे मतलब बिल्डिंग में साइकिल का हवा किसने निकाला बट और बेस्ट था जब व्हेन दया यूज्ड टू ब्रेक द डोर एंड एंटर एक बार इसी बात पे बाय मिस्टेक मुझे पता नहीं था सांता क्रूज करके मुंबई में जो जगह है वहाँ पे सामने एक वन वे है गली अच्छा में जी. मुझे पता नहीं था मैं गाड़ी चला रही थी और मैं वन वे में घुस गई तो रोका गया तो मैंने बोला सॉरी तो बिल्डिंग एक्चुअली वो राइट हैंड साइड पे ही थी तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप यहाँ पे नहीं जा सकते आपको ऐसे जाना पड़ेगा तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आप CID करती हैं ये वो अरे ओढ़क लो मराठी में कहाँ पहचाना छूट गया सो उन्होंने बोला एक मैं बात दर्द पुलिस साहब का दर्द उन्होंने मुझे बोला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप प्लीज़ अपनी क्रिएटिव टीम या डायरेक्टर साहब को बोलिए दया जो दरवाज़ा तोड़ता है ना वो इतना आसान नहीं है कितनी परमिशन लगती है सही बात कि मैंने कहा हाँ मैं बोलूँगी नहीं नहीं ये बोलना ज़रूरी है लोगों को लगता है इतना आसान है पुलिस का बट हम लोग बहुत फॉन्डली बोलते हैं विच इज़ आई एम श्योर सब लोग मानेंगे कि एक हमें सिर्फ कॉल आता है विधि मतलब मुझे कॉल करती हैं तो इनकी असिस्टेंट जो है विधि ऑफ कोर्स आई रिमेंबर बस आप ही को नहीं लिया है उन्होंने बाकी के सारे टीम से अर्जुना जी सब गड़बड़ हो रही है क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपको याद देने पड़ते हैं आप सोच लो मैं आई एम थिंकिंग साल में 2 फिल्में या साल में 100 एपिसोड मर्जी है आपकी आखिर बैंक है आपका ब्रजेश भाई आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर गोलमाल में जो इन्होंने सांप पे एक्शन किया उसके बाद इस फिल्म में भी सांप को लेके कुछ कर रहे हैं आप करेक्टर पकड़ने में ही एक्सपर्ट हैं या सांप वगैरह पकड़ लेते हैं तो गोलमाल का जहां तक सांप का सवाल है ना मैं पहले दिन पहुंचा जब तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे सांप नाक फाइटर का रोल है मैंने कहा कौन मानेगा इस बात को क्यों हंसेंगे लोग तो रातों रात मुझे दौड़ाया गया पालोलेम मार्केट में नागिन नगीना निगाहें माइकल जैक्सन स्नेक इन द मंकी शैडो जितनी सांप वाली फिल्में थी सारी DVDs लाई गई अच्छा जी रात भर मैंने देख के चाट मारी DVDs और अगले दिन सुबह एक्टिंग की अब उसके बाद जहां तक सांप का सवाल है ये जाने ही नहीं देना चाह रहे मैं क्या करूं कभी कभार ना नागपंचमी के दिन घर पे मुझे दूध पिला देते पर आपने अगर नोटिस किया हो ना गोलमाल में इनके सीने पे सांप था हाँ। इस बार इनके हाथ पे आ गया हाँ। आपको लगता नजर रखनी चाहिए ऐसे तो सांप कहीं भी जा सकता है नहीं
देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ, वो साफ का हुआ ये कि पहले दिन की शूटिंग आधे दिन की खत्म हुई, फिर किसी ने सेट पे कहा, अरे काम करते ना, इसको नाक बना ही देते। मैंने कहा नाक बना ही देते मतलब क्या? मुझे लिटाया गया, बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं, पहले एक मेकअप मैन आया, पेट पे नाक बना, यहां से यहां तक का नाक बना, फिर बदन पे अलग अलग नाक बनने लगे। भाई साहब मुझ पर, मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ कि इसको सांप कैसे बनाए, ये तो नेवला दिखता है। बॉस वो पूरे यूनिट ने, इंक्लूडिंग अजय देवगन, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी, सब ने आके ना इसकी जुबान में थोड़ा ग्रीन डाल देते, यहाँ इसकी पूंछ को थोड़ा लंबा बनाते, इसका गुर्दा नहीं दिख रहा। हमारे विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सारी मराठी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं, आपने देखा होगा गोलमाल में ये हवलदार थे, सिम्बा में हवलदार थे, सिंगम में हवलदार थे। आपको पता है विजय भाई, जितने टाइम में गोलमाल और सिम्बा आई, असली हवलदार जो होता है ना, इतनी देर में इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने कभी रोहित सर ने कहा नहीं मेरा प्रमोशन करो, या आपने अपनी खुद की वर्दी सिलवा रखी हवलदार? मैं सिलवाने की बात छोड़ो, मैं तो पेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। पेंट करवाने की? खाकी पेंट, कपड़ा निकल तो हवलदार रेडी है। एक फिल्म में मेरा नाम भी था, क्या कूल है, मैंने किया था, तो इंस्पेक्टर हवलदार ऐसे नाम था। लेकिन क्या रोहित भाई क्या हवलदार हो या कोई कैरेक्टर हो, रोहित शेट्टी के फिल्म में काम करना मतलब ये गरूर है, इट्स अ प्राउड। बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं इसकी इतना ख्याल रखते हैं। भाई रोना नहीं। पर ये आप सही बोल रहे हैं, रोहित सर की भी अगर आप जर्नी देखें तो किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल से उठ के और आज इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, तो ये समझते हैं हमें बहुत प्यार दिया रोहित सर ने, और लव यू रोहित सर। सिद्धार्थ, जैसे फिल्म अनाउंस होने पे पेपर में नहीं आता कि सिद्धार्थ जाधव दिखाई देंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में, तो आप फिर पैसे निकाल के जेब में से प्रसाद चढ़ाते हो या उसको देते हो जिसने ये खबर छापी होती है? ये अच्छा लगता है यार किसी भी एक्टर को, अगर जैसे अभी विजय सर ने बोला कि रोहित सर के साथ काम करने में अलग मजा है, मजा इसलिए कि वो ना हर एक एक्टर को उसका वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैं सत्तू सुपारी था गोलमाल वन में, तो गोलमाल वन तो ऐसे ही रजाक भाई का कैरेक्टर डेट का कुछ हो गया था, तो सिद्धू को बोला, सिद्धू को बोला, तो मैं गया और मैं फिल्म कर लिया, तो अपने कॉन्फिडेंस पे बाजू में देख रहा हूँ अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल, अभी इनको सब मैंने पर्दे पे देखा है कभी, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट से 5-star होटल में ये सब पहली फ्लाइट और ये नहीं सालों बाद बताया मेरे को इसने, एक ना यानी मैं एक नया एक्टर हूँ, एक बंदा है जो आ रहा है वो रोल के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको किसी होटल में रुकाओ, जहाँ रोहित शेट्टी रुके है, जहाँ अजय देवगन रुके है, वही उस बंदे को रुका है। क्या बात, क्या बात है यार, क्या बात है, मैं भूल ही नहीं सकता। अपन 10x10 की खोली में रहो बंदा, इतनी बड़ी रूम देखो तो आप भूल जाते ना सब। लव यू ब्रो। तो मेरा क्या था, मैं उसका, मैं उस बात पे आता हूँ, मेरा एक चीज बताता हूँ, सच्ची में मैं बहुत ना एक्साइटेड था ना, क्योंकि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल था उधर ही शूटिंग थी गोलमाल की, तो शूटिंग की शूटिंग, नहीं तो रूम पे जाओ आराम करो, तो मैं ना वो बाथरूम लगा के ना देखो अभी बड़े बड़े होटल में हम रहते हैं, लेकिन जो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका वो बाथटब था ना, उसका से खिड़की खुलता था, तो मैं ना ऐसे सो के ना टीवी देखता था मस्त। तभी मैं मराठी थिएटर करता था, वाना एक प्ले करता था, तो ये इतना प्यार ना, इतना अलग ही था, अरे ऐसा हो गया था, तो तब से सर के साथ एक कनेक्शन बन गया था, और ऐसा नहीं कि वो बन जाता है, वो जताते नहीं, वो बन जाता है कि भाई तू भी अहम हिस्सा है इस फिल्म का, तू कोई एक्टर नहीं है।
वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम होटल से जा रहे हैं तो जो लॉन्ड्री बैग रहता है उसमें जूते डाल देते हैं। तो ये संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी के साथ वापस मुंबई आ रहा है, वापस गोवा से, और फोन आया हम लोगों के ना, इसने ना लॉन्ड्री बैग में शूज डाला है। तो हमारे प्रोडक्शन से ना इसको फोन गया, सिद्धू काय केला तू, क्या किया तूने, कुछ चोरी किया गया उधर से, तूने बैग लिया गया, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में हंगामा हो गया, सब नाराज है और ये बेचारा एयरपोर्ट पे परेशान। मेरा पैकअप हो गया। तो मुकेश तिवारी सर और संजय मिश्रा सर ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उनकी तो उनकी चल रही थी, अच्छा हुआ ये हुआ चल रहा था, और मेरे को ना अपग्रेड किया। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी से बिजनेस में भी गया गोलमाल के टाइम। और वो संजय मिश्रा सर ने किया, संजय मिश्रा सर ने किया, अपन कर लेते। तो मैंने बैग खोल के कुछ तो सामान देखा था, तो उन्होंने देखा कि वो लॉन्ड्री बैग थैली में, इमीडिएटली हम लोग को फोन किया, हम लोग फिर भी वही शूटिंग कर ही रहे थे, इसने ऐसा किया, हम लोग कुछ कांड करते हो ना, कर दो। और मैं एक्साइटेड कि मैं जा रहा हूँ, तो इनको फोन आया संजय मिश्रा को, हाँ हाँ इधर ही है। अच्छा, हे तू कुछ लेके आया क्या? We did that with him. बोला मैं क्या? लेके आया। तू कुछ थैली भी लेके आया क्या? बोला हाँ वो लॉन्ड्री। अरे पूरा इंटरनेट ढूंढ रहे लोग, बैग किधर है? कैटल्स की बैग। यार बिजनेस क्लास विंडो सीट वो सब रहता ना, मैं मुंबई तक ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म में काम, बड़े बड़े लोग और अपने वो होता है ना शैम्पू विम्पू हम लेके आते हैं ना। फिर उतरने के बाद संजय सर बोले कि नहीं ऐसा मजा किया रहता, तो ऐसा थोड़े बच्चे की जान लेते। लेकिन इसके साथ कॉमेडी चलती रही पिछले, मतलब जब हमने शुरुआत की ना इसके साथ, इसका कैरेक्टर था गोलमाल में कि ना पहली बार आता है तो इसका हाथ फ्रैक्चर होता है, फिर सर तो क्लाइमैक्स तक पूरी पट्टी में, और ना क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही तो ऑब्वियसली यहाँ बैंडेड, यहाँ फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर। और एक शॉट था जिसमें एक मतलब एक फाइटर आता है ग्लास तोड़ के और इसको भागना था, तो ये भागा स्लिप हो गया और इसका रियल में ना हाथ पे कट आया। तो अभी कट आया तो हमारा ध्यान कट पे, तो इसको प्रोडक्शन की गाड़ी में डाला, एक दो एक्शन टीम के मेंबर ले गए हॉस्पिटल। और तब तक किसी ने सोचा नहीं, हॉस्पिटल गए नर्स ने देखा, नर्स चिल्लाई, नर्स को लगा कि फुल बैंडेड है और एक कट गया, और नर्स घबरा गई, नर्स को हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। तो नर्स को बोल रहा हूँ, नर्स बोली क्या, बोल रहा नहीं नहीं ये नकली है ये असली है। ये हमारे अनिल भाई, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने गोलमाल में क्राउड में काम किया था, फिर गोलमाल अगेन में इनको अच्छा रोल मिला, सिम्बा में इन्होंने कैमियो किया, सूर्यवंशी में इन्हें फिर प्रॉपर रोल मिला। तो जिस हिसाब से आप तरक्की कर रहे हैं, तो सर्कस में आपका सिर्फ रोल ही है कि शेर भी आपका? मेरा क्रीम रोल है, सिर्फ रोल नहीं इसमें क्रीम भी है। बट ये इंटरनेट पे है कि मैं गोलमाल में क्राउड में था, एक्चुअली मैं पुणे में थिएटर में एज ए टिकट सेलर काम करता था। अच्छा जी। तो ये बात है 2006-07, उस समय गोलमाल 1 शूट हो रही थी, एंड मेरा कोई कॉमेडिक फ्रेंड सर्कल बन गया था जो बोले गोलमाल की शूटिंग हो रही, रोहित शेट्टी करके एक डायरेक्टर है, चलते हैं क्राउड में, 200 रुपये भी मिलेंगे और शायद रोल वोल मिल जाए, तो अगर उनकी नज़र पड़ गई तो। मैं अपने टीम लीडर से लड़ाई कर रहा हूँ कि मेरे को जाने दो सर, एक दिन की छुट्टी दे दो, तो छुट्टी तो उन्होंने नहीं दी। कट टू मैं बॉम्बे आया और सीधा 2015-16 के आसपास अगेन विधि ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा कुछ है, अनफॉर्चुनेटली देयर इज, नाम इतनी बार आएगा ना टेलीविजन के, विधि गई सर, दूसरा आदमी अब उसको फोन करने वाला है। तो विधि ने मुझे फोन किया, बोलती अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग वर्क नहीं है इसमें, बट यू हैव टू कम एंड असिस्ट, एंड आई वाज लाइक, मैं तो कूद गया, मतलब ये मुझे रोज सर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है, अब बात है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो मैं असिस्ट किया सर, गोलमाल अगेन में ही वाज एन असिस्टेंट विद, ओके, सो मैंने सबकी रिहर्सल की, जॉनी सर से लेकर प्रकाश राज सर की, एंड ऑल 5 लीडिंग एक्टर्स, नील नितिन मुकेश अजय सर, सबकी रिहर्सल की। तो मेरे लिए वो रोज ऑडिशन वाला होता था, बट एंड ऑफ द शूट जब हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तब सर ने बोला नायडू एक कैरेक्टर ही है, अनिल को देते हैं करने के लिए। तो वो पैकअप हुआ, पैकअप के बाद सर ने बोला भाई अपन दूसरी पिक्चर कर रहे हैं, ही कॉल्ड मी फॉर सिम्बा, सिम्बा का पैकअप हुआ, ही सेड कि भाई अपन तीसरी पिक्चर कर रहे हैं, ही कॉल्ड मी अगेन फॉर सूर्यवंशी, भाई अपन अब चौथी कर रहे हैं। क्या बात है। अगेन सर्कस में मैंने सर असिस्ट भी किया, एंड रोल भी अच्छा था, और वो टीम लीडर मुझे मैसेज करता है कि अनिल तेरी फिल्म देखी मजा आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह,
पाजी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरी मम्मी का सपना पिछले जब से 2015 से बॉम्बे में आई है तो बोलती कि मैनू तेन एक बार पोस्टर विच वेखना है ते एक बारी तू कपिल दे शो च आ। वो मुझे हाथ पेंडेमिक में भी मैं अपने रूम में बैठा हूँ अपना कुछ सोच रहा हूँ कर रहा हूँ बोलती इधर आ मेरे नाल बह नाल मिलके हंसांगे। तो शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वॉचिंग द शो राइट नाउ। मम्मी का नाम रेशमा है, आप उनके लिए दो शब्द बोल दो कि शी विल बी सुपर हैप्पी। रेशमा रेशमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। पाजी एक हग मेरे, अरे लव यू पाजी, लव यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, लव यू, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा इसी बात पे मैं भी बताना चाहता हूँ, हम लोग ओवरसीज जाते हैं ना डायस्पोरा में, द कपिल शर्मा शो इतना पॉपुलर है कि लोग आके मिलते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं क्योंकि उनको तो रेयरली देखने को मिलते हैं ना, तो ओह माय गॉड वी लव्ड यू इन, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला होगा, सिम्बा पद्मावत गली बॉय, कौन कौन सा वाला, वी लव्ड यू इन कपिल शर्मा शो। बहुत अच्छा, तो शायद से लोग पिक्चर नहीं देखते लेकिन कपिल शर्मा शो पूरी दुनिया देखती है। पर भाई ये आपका प्यार है, और फिल्मों में क्या है कि आप एक किरदार में हो, फिल्में आपकी इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में हुई हैं, पर यहाँ पे आके ना असली रणवीर सिंह भी लोगों को देखने को मिलता है कि यार रणवीर असल में कितना लवेबल है, और ये भाई आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी है कि हमारे शो के साथ भी जुड़ जाते हैं आपकी वजह से, ये आपका प्यार है और बड़प्पन है। अच्छा रोहित सर की फिल्में जितनी बड़ी होती हैं, बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा खर्चा होता है, आपको पता है जहाँ जहाँ प्रमोशन करने के लिए जाते हो उनका भी कम खर्चा नहीं होता? देखो हम जा जाते हैं वहाँ उस टेलीविजन शो का के मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा होता है, लेकिन ये भी गारंटी देता हूँ और ये रिकॉर्ड है कि जहाँ हम जाते हैं वो हाईएस्ट रेटेड टीआर के आते हैं। बिल्कुल। एक बार एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा था, उसको पढ़ के 12 साल काम किया मैंने, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मोस्ट मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने लिखा सिम्बा के बाद दैट रोहित शेट्टी आज का मनमोहन देसाई है। हाँ, उस हिसाब से मैं अमिताभ बच्चन हुआ ना। सही क्या? क्या बात है? सही क्या? लिखा था। और सिम्बा दिखाने के बाद लाइट जब ही ऑन हुआ और मैंने इनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला तेरे को ऐसे बिगाड़ के रखूंगा तू बाहर काम ही नहीं करेगा। तैयार क्या होना, नाक पे चेरी लगानी, बाकी रेडी है। देखो शर्मा जी, देखिए जोकर के बिना ना सर्कस अधूरा है। तो फिर काय को नहीं लिया तुमको सर्कस में? जाओ जाके किसी का अधूरा सर्कस पूरा करो, अभी भी क्यू पे ही है ये। गलत लोगे, आज तक क्यू नहीं दिया ठीक से, गलत क्यू दे दोगे स्क्रिप्ट खराब कर देगी आपकी। जाओ किसी का अधूरा सर्कस पूरा करो। पिछले 10 साल से वही कर रही हूँ शर्मा जी। हार्ड हार्ड हार्ड। आया किसी का कोई रिस्पांस? सर का आ गया बस, बहुत है। कहाँ से आ रही हो? क्रिसमस शॉपिंग करके आ रही हूँ। क्रिसमस शॉपिंग? तू जैकलिन फर्नांडिस है? क्रिसमस की शॉप, नाम तेरा बिंदु, बाप का नाम सुंदर, फिल्म में जैकलिन का नाम बिंदु है। सेम सेम, आप बोला तो बिंदु। इसके पिता का नाम है सुंदरलाल छपरीवाला, आपका क्या है फिल्म में? राय साहब है इसके बाप। तुम लोग तो बर्थडे नहीं मनाते, तुम लोग क्रिसमस कहाँ से मनाने लग गए? शामिल ये क्यों बीच में टोकते रहते हो? मुझे गेस्ट से बात करनी, तो आज इतने सारे गेस्ट आए। रोहित सर मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा और इतना मजा आया देख के, लगा। अरे टीवी देखा कहाँ से? देखा टीवी तो तुम्हारा फटा पड़ा है। फोन पे देखा है मैंने। वाह जी वाह, लैंडलाइन पे कब से ट्रेलर आने लगे? फोन पे देखा है। वाह वाह। और इनका लैंडलाइन जाके देखो आप,
उसके डिजिट भी 6 तक ही हैं और जिन रिश्तेदारों के घर में 7, 8, 9 वाला टाइप नंबर उनको फोन नहीं करते ये। रोहित सर आप प्लीज बताइए आपने इतने सारे लोगों को कास्ट किया मैनेज कैसे करते थे इतने लोगों को? आपने पिताजी से पूछा है 15 बच्चे कैसे मैनेज करते हो? एक सेकंड, हम सिर्फ और सिर्फ 9 भाई बहन है और 6 बुड्ढे के दिमाग में चल रहे हैं अभी। वो करेगा मेरे को मालूम है, वो नहीं हटेगा। चल झूठ बोल रही है, भला कब बोला मैंने? रोहित सर मैं आपको बता नहीं सकता हरकतें कैसे करते हैं। मैं बारात लेके गया इनके कि यहाँ पे घोड़ी पे, तो आवाज आई कहते दुल्हन के बाप को बुलाओ, तो मेरे को नीचे से बाजी कहता बेटा 2 मिनट उतरोगे? क्यों करते हैं ऐसी हरकतें वो? हो गया और कुछ बोलना है? मैं मेरे बात तो दो हो गए। सुंदर लड़की आई हुई है, कुछ बात कर लूं मैं? तभी तो बोल रहा हूँ, आप क्यों आई फिर? सुनो बिंदु बिंदु अब बोल के दिखाओ कुछ। ये कुछ बात हुई वैसे? बट नहीं सीरियसली पूजा जैकलीन आप लोग 60s के कैरेक्टर में इतने सुंदर लग रहे थे आज। एक्चुअली इन्होंने बताया नहीं वरना मैं भी कुछ 60s का कैरेक्टर कुछ करके आती ना। जो 2022 में मिला वो तो तेरे से हो नहीं रहा, 60s का करोगी मैडम? आप देख लीजिए ये 2 साल हो गए शादी को, ये कदर ही नहीं करता, कुछ सीखो रणवीर से। हाँ। He's such a romantic husband, जो मेरी पर्सनल बीवी है उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। तू तो 2 घंटे के लिए आती है, चेक बनवा के निकल जाती है, क्या है? लोग क्या करते हैं, तुम भी तो चेक बना के। सेल्फिश लव। सेल्फिश लव बोल के देख लो अर्चना जी। हाँ। वो क्या बोलेगी, अर्चना जी खुद 2 घंटे के लिए आती है। उनका तो चेक मिल भी जाता है। शर्मा जी कुछ तो सीखो, रणवीर जो पहाड़ों में फूल लेके आए अपनी बीवी के लिए, कुछ तो रणवीर। तू कौन से पहाड़ से फूल लाया? मैं लाया मेरी दीपू के लिए। हिम्मत है तो इसके लिए लाके दिखा। कपिल देख मैं दिखाता हूँ कैसे रोमांटिक होते हैं। आओ बिंदु आओ। हाउ क्यूट। उनका हाथ अपने हाथ में लीजिए। अच्छा हमें रोमांस कर रहे हैं या योगा सिखा रहे हैं? बहुत सीरियसली सिखा रहा हूं मैं। अब ध्यान से जेब से ये ना निकाल ले चश्मा। उनके आंखों में आंखें डाल के कहो बिंदु यू आर सो ब्यूटिफुल। अगर ऐसा था तो आपकी फिल्म में 2 हिरण की जगह थी, इनको क्यों नहीं लिया फिर? इतनी आपको ब्यूटीफुल लगी है तो। मेरी फिल्म नहीं है, उधर बात करो। देखा मुकर गया ना बंदा। तुम ना ये जो तुम बीच में टोके, बस रोमांस शुरू ही हुआ था कि टोक दिया, ना खुद रोमांस करता ना किसी और को करने देता है आदमी। कपिल मैं दिखा रहा था आपको, आपको करना है। तुम्हारे साथ नहीं होता, मेरा इनके साथ करा के देखो। मेरे अंदर का देवानंद ना जाग गया फिर कहना। जैकी लेट मी शो हर, कम बेबी। देखो गोपाल आज तुझे मौका मिला है रोमांटिक म्यूजिक दे पीछे। जैकी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, इतना भी नहीं देना, कम करो। हमारी बहन जी 2 मिनट चुप रहेंगी आप? जैकी तुम्हारी आंखों की नमकीन मस्तियां, तुम्हारी हुस्न की बेपरवाहियां नहीं भूलूंगा मैं जब तक हो तुम यहां, जब तक हो तुम यहां। देखो रोमांस निकल रहा है मेरा। मेरे आंखों के बारे में तो कुछ नहीं बोले, एक कुछ बोल दो। ये आंखें खोल के सोती है, सुन लिया अपनी आंखों के बारे। आइए आप। ठीक है कोई नहीं, एक दिन मैं तुम्हारे अंदर से प्यार निकलवा के रहूंगी। मैं पहले अपने माँ बाप को मेरे घर से निकालो, 9 महीने से पड़े हुए थे। मेरी कहना, मेरी कहना, मेरे भैया के मेरी कहना, दामा जी मिठाई मंगा के मुंह मीठा कर लो, आज बड़ा खुशी का।
खुशी का दिन क्या है? मेरा घर छोड़ के नहीं जा रहे रोहित सर ये? अरे घर छोड़ के जाए तुम्हारे दुश्मन तो वही तो हो तुम लोग। अरे आपका दिल लगा रहे इसलिए घर में नया मेहमान आ रहा है। खबरदार, आपका कोई और रिश्तेदार रेलवे स्टेशन पे आया तो उस गाड़ी के ड्राइवर को पीटूंगा मैं जाके। ये देख लो। ओले ले 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 ले। कितने भोले मेरे दामाद जी। दामाद जी हर मेहमान रेलवे स्टेशन से घर ना आता, कोई मेहमान है जो भी आता है घर में। क्या बात कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना अलग अलग बांध कर रखा करो इनको। पहले ही नौ बच्चे एक और हो रहा है, शर्म नहीं आती आपको? आई 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 आई, मेरा जी मचला रहा है, खट्टा खाने का जी कर रहा है। तो ये बड़ा नींबू किस लिए, चाटो इसको। एक सेकंड, आप दोनों को शर्म नहीं आती मेरे ससुराल में आके क्या हरकत कर रहे हो यार आप दोनों? अरे शर्म की क्या बात है बिंदु? हाँ, अरे तुझे पता है ना तेरी मम्मी को टैडी लेके सोने की आदत है, उस रात टैडी ना मिला मैं तेरा डैडी लेके सो गया। अरे वो सब छोड़ो। अरे रणवीर सर, अगर आपके जैसा बच्चा चाहिए तो किसका फोटो सामने रखना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है माँ जिस तरह का फोटो देखती है बच्चा उसी तरह का होता है। जब ये पैदा हुई थी किसकी फोटो लगाई थी? अरे इसके बारे में दीवार पे कोई फोटो ना आई, बस सीलन थी तभी तो पपड़ी जैसी हुई है ये। आपको क्या हुआ है पापा? मुझे भी उल्टी जैसा कुछ हो रहा है। तो आप किसके डैडी के साथ सो गए थे? बधाई हो दामाद जी, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। हमारे घर में दो दो खुशियां एक साथ आ रही हैं। एक सेकंड, पापा ऐसे कौन उल्टी करता है? ये कैसे, आपको कैसे उल्टी हो सकती है ऐसे? एक सेकंड, आपने क्या खाया है? क्या खाया बेटा? बाहर जाके थोड़ा सा रोड साइड खा लिया हमने। बाहर रोड साइड? क्या बाहर तो दुकानें नहीं है, क्या खाया? अरे बाहर बड़ा सा वो ग्रीन टिफिन है ना, उसमें सब मिलता है, उसी में से खा लिया। डस्टबिन है वो, डस्टबिन, पब्लिक डस्टबिन। आपने पुराना कचरा खाना खाया है? नहीं नहीं। अरे पुराना कहाँ था, हमारे सामने ही डाला था किसी ने। अरे कहाँ है? अरे एक सेकंड, कोई खुशखबरी नहीं आ रही, आप दोनों का कचरा खा के पेट खराब हुआ है और कुछ नहीं। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये सोच के। सुलभा जी मैंने सोचा था क्या सोचा? 9 महीने बैठ के खाऊंगी। तो अभी कौन सा सुबह उठ के दुकान का शटर खोलते हैं आप लोग? हैं आओ तो बैठ बैठ के खाते हैं और ये तो लेट लेट के खाते हैं। ऑफिशियली खा सकते थे ना, अभी खाने के साथ तुम्हारे ताने सुनने पड़ते हैं। रोहित सर आप इतनी गाड़ियां उड़ाते हो, एक किसी गाड़ी में इनको बिठा दो और ड्राइवर को बोलो 200 की स्पीड पर ले जाके खुद बाहर कूद जाए। बेटा घर में जाना है, गाड़ी की क्या जरूरत है, जल्दी चलो शेट्टी साहब का डायरेक्शन शुरू हो जाए। चलो चलो। आज आप पहली बार आए हैं तो आपकी फोटोग्राफ्स जो आप डालते हैं अपने फैंस के लिए, हार्ड हार्ड हम लोग बैठ के देखेंगे, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं, आइए दिखाइए जरा। हे बाबा, अश्विनी जी ने फोटो डाला है, हम भले ही अलग दिशाओं में देख रहे हैं लेकिन मंजिल एक ही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी फोटो से ही पता चलता है आप पति पत्नी हैं। आप अलग दिशा में देख रही हैं, मुरली जी का देख लो, ये किसी दिशा को तो नहीं देख रहे। मुरली जी के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ये रोप वाले को बोल रहे हैं भाई 50 रुपए ज्यादा ले ले, जल्दी उतार दे। और दिखाइए। अरे तो अभी की फोटो। विजय पाटकर साहब ने फोटो डाला है सर्कस, आइए देखते हैं नीचे क्या कमेंट्स आए हैं पब्लिक के। इतना खुश तो आदमी FD पे इंटरेस्ट मिलने पे भी नहीं होता। इतना ये हो रहे हैं। अरे यार ये इतने खुश हैं, आज इस व्यक्ति से कोई अनजान भी उधार मांग ले तो ये मना नहीं करेंगे। Oh my God. और दिखाइए। ये फोटो कहीं देखा देखा लगता है। Which one of them is the goat? अच्छा। मैं भी सोचूं कहाँ देखा है। ये मेसी और रोनाल्डो का फोटो था। वाह यार,
पर आपने बड़ा अच्छा लगाया काट के जो भी किया है मंत्रा। ऐसी ही फोटो मेसी और रोनाल्डो की भी है, मुझे नहीं पता था उन्होंने आपके मुंह काट के अपने लगाए। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई इन्होंने अपने मुंह के नीचे उनकी बॉडी लगाई है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, तभी मैं सोचूं ब्रिजेश हिरजी का मुंह बॉडी से बड़ा क्यों है। और दिखाइए, ये लूडो समझ के चेस खेलने बैठ गए। अब समझ नहीं आ रहा बिना डाइस के कैसे खेले। एक्टर बनने के बाद ये बक्सा लेके खेलने लगे हैं, वरना पहले ये भी चादर बिछा के खेलते थे। जी और कितनी लांब असली गाड़ी, इसका क्या मतलब सिद्धार्थ? कितनी लंबी रहेगी ये गाड़ी? नहीं नहीं, नीचे क्या लिखा है? तूली तो तूली लिमोजिन, उसको लिमोजिन बोलते ना। हाँ, आपको इसके बारे में किसने बताया कि इसको लिमोजिन बोलते हैं? आइए कमेंट्स देखते हैं। ऐसी गाड़ी का यही नुकसान है, कोई भी आके फोटो खिंचा जाता है। ये इतनी महंगी गाड़ी है, बार्गेनिंग करने पे खुद थप्पड़ मारती है। और दिखाइए। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। बेस्ट पार्ट, माँ ने कहा मुझे पाइनएप्पल के साथ फोटो चाहिए। हाँ, वहाँ पर मॉल के अंदर पाइनएप्पल था, ऑल ऑफ अ सडन मम्मी बोलती मैंने एदे नाल फोटो खिंचानी। कमेंट्स दिखाइए नीचे। मेंस डे पे आपको झोला उठाना पड़ रहा है, बाकी दिन क्या होता होगा। पीछे वो लड़की सोच रही है, ना आगे से पहचान में आया ना पीछे से, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कहीं देखा हुआ है। और दिखाइए। मानना पड़ेगा बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, लोग मालदीव जैसी जगह पे फोटो डालते हैं, ये मलाड की शॉपिंग से खुश है। ये पीछे वाली दुकान से बार्गेन करके निकले हैं, अभी ये इंतजार में है कि वो वापस बुला ले। और दिखाइए, अश्विनी जी ने फोटो डाला है, कमेंट्स देखते हैं। पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते वक्त गलती से इनके घर की चाबी भी चली गई। ये इंतजार कर रही हैं कि पोस्टमैन आए तो ये घर जाएं। ऐसा लग ही रहा है गरीब सी खड़ी हुई। मैडम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए पोस्ट बॉक्स पे जाने की जरूरत नहीं होती। Nice. मैंने इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म लिखी है जो 1000 करोड़ कमाएगी, आपको अगर उसमें काम करना है तो 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेंगे। इफ इंटरेस्टेड मैसेज मी, शूट स्टार्ट वेरी फास्ट। वाह भाई। और दिखाइए। शूटिंग मोड, विजय जी ने फोटो डाला है, दिखाइए जरा पोज। लुक एट द पोज, लगता है इनका एक पैर सलवार में फंस गया, कभी नहीं दिख रहा। एक्चुअली दादा पैर है का ऊपर रखा है, मर्ज हो गया उसमें गाड़ी में। मर्ज हो गया सर, मैंने गाड़ी का नंबर चेक किया, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, मैं आपको बेस्ट डील ऑफर कर सकता हूँ, डीएम करें। और आगे दिखाइए। अरे ब्रजेश भाई ने फोटो डाला है जी, हैशटैग साल मुबारक भाई, ये साड़ी पहनी आपने? हाँ, आप हमारे शो पे भी आए थे पहले। दिखाई जरा कमेंट्स। वाइफ ने कहा होगा देख के बताओ साड़ी कैसी है, इन्होंने पहन के बता दी। जब बीवी घर से बाहर गई हो तो फिर आदमी ऐसी ही हरकतें करता है। यही वो एंजल प्रिया है जो वीडियो चैट करके मासूम लड़कों को बहकाती है। This is the best. और दिखाइए। ओहो, इतने सारे हैशटैग सिद्धार्थ, रिलैक्स, इट्स योर टाइम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये उतरते वक्त सीढ़ी से गिर गए, लेकिन सामने मीडिया को देख के पोज बना दिया। ये सीढ़ियों में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, सोचिए इन्हें होटल का कमरा मिल जाता कितने खुश होते। वो तो बताया। और दिखाइए, अनिल ने फोटो डाला, एक दोस्त दो पाव भाजी, सनसेट और हंसी मजाक, और क्या चाहिए। अरे वो पीछे वाला मुंह क्यों छुपा रहा है? सर वो मल्टीपल फोटोज थी। बट बाथरूम के अंदर फोटो कौन खींचाता है? सर मैं बताता हूँ कहाँ क्यों हो गई है, क्योंकि ये सोहो की फोटो है, बाहर फोटो नहीं खिंचा सकते है ना। तू बड़ा घूम रहा है सोहो के बाथरूमों में। अरे इसका बड़ा एक, इसका टाइलों से पता चला, टाइलों से पता चला कांड है क्या। अरे इट वाज नाइस, थैंक यू गाइस।
लवली ये बहुत क्या अच्छा लगा कपिल भाई, थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपका शॉट लग गया भाई साहब अभी। भाई ये ना एक ये वरुण 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 और मेरी एक एडी चीफ एडी है मेरी स्नेहा। अच्छा तो इन लोग आते जाते रहते एक होटल में, तो एक जगह पे इन लोग बैठे थे चाय वाय पी रहे थे, तो सडनली इनको बोला गया कि चलो चलो आप लोग यहाँ से उठो, यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम होने वाला है, डेटिंग वो होने वाला है, अच्छा स्पीड डेटिंग होने वाली, मतलब लड़के एक तरफ बैठेंगे लड़कियां एक तरफ बैठेंगे एक दूसरे को जानेंगे वोटे। तो इन लोग बोले ये कमाल है यार, इन लोग उठ के दूसरी जगह चाय वाय पी रहे थे, थोड़ी देर में ये स्नेहा गई नीचे, तो ये आया भागते हुए कि आ तेरे को दिखाते कौन आया है, भाई लाइन में अनिल बैठा हुआ है ऐसे बैठे हुए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी और हाईलाइट क्या, उधर हो क्या रहा है, जितनी लड़कियां बैठी उनके गले में ताले और इनके पास गले में चाबियां, जिनकी चाबी ये शो आपके पास सिर्फ 2.5 मिनट है बात करने के लिए, और 2.5 मिनट बात करने के लिए ताला खुला तो बात कर सकता है, अनिल ऐसे बैठे 2.5 मिनट बाद घंटी बज के दूसरी के सामने बात करे ऐसे और चाबियां बंधी हुई है वो लड़कियों के ताले खोल रहे हैं कि मेरा किसके में खुलेगा, फिर उनकी जोड़ी बनेगी। रेशमा आंटी देख रहे हो क्या कर रहा लड़का, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहूंगा, ये शख्स जो है चूचा ये एक की चार बता सकता है, तो इसकी बातों पे विश्वास ना करें। दूसरी चीज आप मुझे बताइए कि जीवन साथी ढूंढना कहीं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या गुनाह है मैं? अनिल और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं मैं 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 करना पड़ता है करना पड़ता है ताला चाबी का वो 50 लड़कियां ऐसे और ये बंदा मैं बता दूं। अच्छा अर्चना जी सब हो गया, रोहित शेट्टी की फिल्में कर ली सब कर लिया, रिजेक्ट हो गया भाई, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके साथ तो कितनी बार बुरा हुआ है यहीं पे। ना 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 वो मैं नकली करता हूँ, उसका मेरे को पैसा मिलता है, ये ताला डाल के मैं कभी नहीं बैठा। थैंक यू सर। सोचो अच्छा भला मैच्योर आदमी दाढ़ी आई हुई है यार और ताला डाल के ऐसे बैठा है बंदा, वेरी बैड ब्रो। नहीं नहीं वो उसका सेकंड फेज था, घंटी नहीं होती, घंटी बजती थी ओके थैंक यू, फिर साथ में दूसरी लड़की बैठी, फिर ऐसे दूसरी लड़की बैठी। भाई देखो मेरी भी गर्लफ्रेंड बड़े साल नहीं बनी पर ऐसी घिनौनी हरकत मैंने वाह बाप रे बाप। नहीं वहां ताला खुला कि नहीं मालूम नहीं, आज पूरे देश के सामने इसी चाबी खुल गई भाई। नहीं मतलब मैं सी कपिल भाई मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूं। अरे कुछ नहीं अभी हो गया, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, मिला के सब हो गया, अभी कुछ नहीं, अभी अभी देश को पता चला कि मैं सिंगल हूं, आई एम सिंगल एंड आई एम पता चले इसके मम्मी इतने खुश है कि पहली बार कपिल शर्मा शो पे गए, जिस दिन टेलीकास्ट आओ मम्मी जरा बाहर चलते हैं, मम्मी कहीं मैं बाद में दिखा दूंगा। रेशमा आंटी बहुत ट्राई कर रहे हैं अनिल जी की आपके लिए एक बहू लेकर आने के लिए, लेकिन बस इसे बोलूंगा कि 2.5 मिनट में मत चूज करें, इतना प्रेशर रहता होगा, 1.5 मिनट सिर्फ है, कोई खड़ा है टाइमर वाइमर के साथ देख रहा है और बेल बजाने वाला है, जब टाइम खत्म हो जाए तो पहला राउंड था 2 मिनट बात करनी थी, फिर ताला चाबी राउंड, छठे सातवें राउंड तक क्या हो रहा है भाई, अश्विनी वहां तक नहीं पहुंचा था। नहीं इसका छठे तक वही चल रहा है। I think we are talking about circus, तो पूरी जनता। अरे तेरे बाजू में जो बैठा वो अभी भी शौक में। भाई अगली बार किसी ऐसे कंपटीशन में जाना हो ना तो जो नकली चाबियां नहीं बनाते ताले वाले उनसे 6 महीने का डिप्लोमा कर दो ताकि पहली बार में ही ताला खुल जाए। हम कहाँ थे? हाँ हम कमेंट्स पढ़ रहे थे। चलिए अच्छी जगह भी चाहिए भाई वरना मॉल के बाथरूम में फोटो खिंचानी पड़ती है। इन्होंने लिखा ना और क्या चाहिए उस हिसाब से कि पीछे वाला इनसे भी बड़ा सेलिब्रिटी है बिना पैसे के फोटो नहीं खिंचाता। बाथरूम का फ्लोर शतरंज जैसा है, आप 2.5 कदम पीछे की तरफ चलोगे तो प्यादे को मार सकते हो। और दिखाइए पीछे वाला मेरा फ्रेंड है विप्लव शिंदे। अश्विनी इसका ताला खुला लगता है।
यार ये मैंने रोहित सर पहली बार सुनी है गेम। अरे मैं तो लगा कोई टीवी शो होगा। मैं शॉक हो गया सुन के। हम कुछ शॉक में आ गए थे पाजी। अलिल जोक्स अपार्ट बट देश में ऐसे बहुत सारे डेस्परेट नौजवान हैं जो ये जानना चाहते हैं ये इवेंट कौन सी संस्था करवाती है। तेरा नंबर दे दे, तू बहुत लोगों का भला करती है। आप ये नाम ऊपर देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। इनको डीएम कीजिए, ये ढाई ढाई मिनट में डेटा सेट कराते हैं। आप अनिल चिढ़ गया पूरा। ये बंदा भाई जब बंदा अंदर से कलपता है ना तो ऐसी आवाज आती है। कपिल भाई वो पीछे वाला है ना उसको मालूम था ये सब होने वाला है इससे पहले। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, मैं अभी भी उससे पूछ रही हूँ यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे मैंने कंसोल किया है बेचारा करके मैंने ताला बाद में पता था। ताला खुला नहीं केला खोल लिया उसने। बहुत बहुत एनर्जी गई है। लेकिन एक बात तो है ताला खोलते खोलते अनिल की पूरी दुकान खुल गई आज भाई। आज का एपिसोड अनिल के नाम। अगर आपके पास कोई ताला है तो जल्दी संपर्क कीजिए। चाबी लगी न लगी मालूम नहीं, ताला जरूर मिलेगा। एक और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे हाँ चलो खत्म। रोहित सर पूरी कास्ट यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ जनता के सवाल है जो उन्होंने हमें लिख के दिए हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है रमेश कुमार जी का है कानपुर से। पूरी स्टार कास्ट में कौन वो इंसान है जो बातें तो डाइटिंग की करता है लेकिन जैसे ही समोसे वड़ा पाव आते हैं पर सबसे पहले लपकता था। सभी अच्छा, पूजा डाइटिंग की बातें नहीं करती। पूजा पिछले एपिसोड में भी आपके ऊपर ये इल्जाम लगा कि आप इतना खाती इतनी फूडी हैं, तो फिर क्या राज है उसका कि आप आपका वजन नहीं बढ़ता है? जेनेटिक्स बोलते हैं उसको, साउथ इंडियन जीन्स। तो ये साउथ इंडियन जीन्स से याद आया, एक बार इनकी मम्मी ने खाना भेजा था संडे के संडे। अच्छा। और सारी टीम ने बैठ के खाया रोहित सर की वैन में। क्या मटन भेजा था, ये बंदे ने पूरा डेकची खाया है। हम देखते रह गए। और शमशान लग रहा था उसका प्लेट, लाइक अ ग्रेवयार्ड। इतना स्वादिष्ट खाना कि आपको नशा चढ़ जाए। पूरी टीम लंच के बाद क्या है। तो सबसे ज्यादा फूडी ये हैं। ओके, कई बार होता ना एक सीन चल रहा है और कोई आर्टिस्ट एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन दे देता ताकि मैं ज्यादा नोटिस हूँ, तो ऐसा कौन था? अनिल, सिद्धू, कभी कभी वरुण, मतलब इनसिक्योर हो जाए थोड़ी देर खड़ा है। और बहुत स्मार्ट आदमी है अपना ना, वो क्यूट सा फेस लेके आके सर मैं ऐसा कर लूं चल नहीं आके ना ऐसा भोला चेहरा रोमांटिक सीन भी चल रहा मैं एंड में ये बोल दूं आके। मतलब क्यों लेकिन ये और ये बंदा वो जो वो 19 साल का जॉनी लीवर वो जो बैठे है इधर ये इनको और इनको बोले कि जाए हम सर को एक ऐसा बोले जितनी गालियां इन दोनों को इसके वजह से पड़ी है ना मतलब कभी नहीं पड़ी होगी। अर्चना मैम बाद में हमारी एक पंचायत बैठती थी। हाँ। रणवीर सर वरुण भाई और मैं हम लोग को कुछ इम्प्रोवाइज हो यानी हाँ। कुछ दिमाग में आया हाँ। तो हम लोग पहले अपना अपना पंचायत बनाते थे। अच्छा। हाँ। कि ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है सर को बताए और लिटरली ये सुपरस्टार रणवीर सिंह ये लोग कैसे बैठते थे जरा दिखाओ एक्चुअली मतलब मैं पीछे बैठा होगा ये ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ अपन इस सीन में ऐसे कर सकते हैं क्या कि आप ये बोलो अपन ये करेंगे। नहीं 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 ये नहीं करते उसका ये करते हैं और ये अभी सर को बताएगा कौन। पहले दो दिन चला अगले हफ्ते से मुझे पता चलने लगा ये है तो जैसे उठते थे लोग हाँ, हाँ। अभी मैं ये जिम्मेदारी मेरे पे कि मैं जाऊँ जा, 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 जा। नहीं हाँ चलो नहीं नहीं अच्छा डायरेक्टर को इम्प्रेस करने की सबसे ज्यादा कोशिश कौन करता है? सारे के सारे अनिल और वरुण
देखो डायरेक्टर को सब पता रहता है। आज सब कुछ मेरे ऊपर क्यों आ रहा है अर्चना जी? क्योंकि तेरे को ताले की चाबी नहीं मिल रही। लेट जा, तू रेफरी बन, तू लेट। अरे बाप रे, आएगा आएगा। जो तेरा नसीब खराब है, अभी नेशनल टेलीविजन में एक और बताता हूँ, तू पूना को एक लड़की के साथ गया था वो घुड़सवारी करने, उधर भी मेरा को एक पहचान वाला था। आज बताता हूँ। आज गया ही। पूना से पहले और जैकेट के पीछे देखो सर क्या लिखा है, मैसिंग विद द मेन स्ट्रीम। अभी सडनली याद आया, अरे रोहित भाई, वी हैव सीन वन ऑफ योर एक्टर, ही सेइंग हिज वर्क्ड इन सूर्यवंशी, ही इज हियर विद अ गर्ल फॉर हॉर्स राइडिंग। सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अनिल आज बैठ जाती क्या क्या नहीं ट्राई किया, आंसू पोंछ रहा है अभी याद आ रहा है। किसने सोचा होगा पहली बारी कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूं, हॉर्स राइडिंग के लिए गया था। अच्छा यहां से नहीं देखेगा, बट इंस्टाग्राम पे है फोटोज में, जनरली हॉर्स राइडिंग गया था। झूठ मत बोल, गया था भाई। आपको बता दो, अगर कुछ ऐसा कुछ कटवाना है आपको, एडिट में करवाना है? नहीं नहीं कुछ सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं। सोचो अगर इसकी किस्मत का ताला यहाँ कपिल शर्मा के शो पे ही खुल जाए। बात है यार, भरोसा नहीं। कोशिश तो कर रहा है बेचारा। सारे लड़के इकट्ठे हो गए। अच्छा इसका नसीब देखो, खाली लड़के उठे। सर इसके पहले कि कोई आपको मेरा इंस्टाग्राम का लड़की और लड़के कितने फॉलोअर्स हैं, मैं पहले बता दूं, 80% लड़के फॉलोअर्स हैं, 19.2% लड़कियां फॉलोअर्स हैं। ओ हो बात, अब बेइज्जती हो रही तो पूरी हो सकती, मतलब ये आपको कोई बता दे इसके पहले कि बता दिया सर। बाद अब बामुलायदा होशियार बर सल्तनत सर्कस में बादशाहों के बादशाह बादशाह अकबर के बेटे सलीम पधार चुके हैं। अच्छा है क्या? हम यहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे आने का ऐलान करेंगे, एक अच्छा सा इंट्रो देंगे, हम स्टाइलिश वॉक करके यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर खुद का इंट्रो दे रहे हैं। हमारा इंट्रो कहाँ है? एक काम करिए, आप वापस जाइए, फिर से देती हूँ। बेटर। बा मुलायदा होशियार, वाह यहाँ से आ रहा अकबर। खुद का इंट्रो इतना लंबा, हमारा इंट्रो इतना सा, खुद का जैसा इंट्रो दिया ना वैसा इंट्रो दीजिए हमें। अब हुजूर ऐसे लंबा में रिपीटेटिव फील होता है। रिपीटेटिव? अगर हम रिपीटेटिव की चिंता करने लगते ना तो आप दुनिया में ही नहीं आते। क्योंकि आपके जैसी 15 औलादे हम पहले ही रिपीटेटिवली पैदा कर चुके हैं। हमें मेहमानों से मिलने दीजिए। वाह 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 वाह। आपके सलीम साहब की पगड़ी नाक पे आ गई नाच के, ये क्या कर? बहरहाल आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। शहजादे, हमारी पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि जो जो आशिक अपनी बाशुका के लिए चांद सितारे तोड़ने जा रहे हैं वो ना जाएं,
क्योंकि सारे सितारे यहाँ पर आ गए। वाह वाह, क्या बात है। यकीनन अब्बा हुजूर, आज जो है नासा वाले भी आसमान में टेलीस्कोप लगा के नहीं देखेंगे, आज वो लोग प्रोजेक्टर लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि सारे सितारे यहीं पे मौजूद हैं अब्बा। एक ही तारीफ को अगर दूसरी बार किया जाए ना तो उसे चापलूसी कहते हैं। अब्बा हुजूर, जो आपने पहली बार किया था वही चापलूसी लग रही। चापलूसी, वाफी और गिड़गिड़ाना, ये हमारी रियासत के तीन स्तंभ हैं। हमने आपका ट्रेलर देखा, जैसे कि आप तार कोई पकड़ता है और लेकिन एहसास किसी और को होता है, सेम कनेक्शन हमारा भी है। अच्छा। हाँ हाँ, पैदा ये हुए और पूरी रियासत से मुआफी हमें मांगनी पड़ी। राजेश हीर जी, जी जी जी, हमने देखा है आप रोहित शेट्टी जी की फिल्मों में काफी फन लेकर आते हैं। ये हमारी औलाद है, इन्हें आप 10 दीजिए, हम आपको 20 देंगे। स्नेक काम में देरी किस बात की। आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, आपको पता है क्या, हमारी जब दरबार की शुरुआत होती है सुबह सुबह, जब हम अपना शटर अप करते हैं, सबसे पहले हमें आपकी याद आती है। क्यों? क्योंकि अपने दरबार में हम नए जूते पहन कर आते हैं और हमारे जूते करते हैं चू चा चू चा चू चा चू चा चू चा। लेकिन आज हम यहाँ पर अपने पुराने जूते पहन कर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम चूचा चूचा करें, फिर आप भी चूचा चूचा करें और बहुत ज्यादा चूचा 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 हो जाए। अब्बा हुजूर, ये क्या चूचा 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 कर रहे हैं आप? अच्छा लगता है, इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइने आई हैं, उनको यही लगेगा ना कि बेटा इतना हैंडसम है, अब्बा इतना छिछोरा है। पीछे देखिए कौन है। पीछे कौन है अब्बा हुजूर? कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि सब आगे निकल गए हैं। लेकिन आपने ये तो सही कहा, हीरोइन आई तो है। जैकलीन जी, पूजा जी, आप लोग अगर चाहें तो हमारी रियासत की रानी आप बन सकती हैं। अब्बा हुजूर, रियासत में किलो के हिसाब से बहुत सारी रानियां पहले से ही मौजूद हैं। किलो किलो? ये हमारे साहबजादे हैं, इन्हें जरा गौर से देखिए और फिर इमेजिन कीजिए कि हमारी रानियां कैसी होंगी। अब्बा हुजूर, खूबसूरत रानी होने के लिए शर्त यह है कि राजा भी रणवीर सिंह जैसा होना चाहिए। और ये एक हमारे राजा हैं, ये शेरवानी पहनी माला पहनी फिर भी ऐसे राजा लग रहे हैं। इनको एक बार एक लड़की ने लुंगी में देख लिया, उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि लड़की को जब होश आएगा तो वो बताएगी कि क्या देखा है उसने। ये आपके दो हाथ दिखाइए, देखिए ये गालों पर ऐसे रखिए, थोड़ी देर रखा रह सकते हैं? हाँ, ठंडा लग रहा है, क्योंकि कब हमारा हाथ आप पे उठ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। सॉरी अब्बा हुजूर, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हम आपको कर दें, लेकिन हमारे लिए चार शब्द कहिए तारीफ के हमारे मेहमानों से। ये है हमारे बादशाह अकबर, हमारे जहां बना राजाओं के राजा, अकड़ से भरपूर, गुस्से की सीमा नहीं, दुश्मनों को सलाद की तरह काटने वाले, जिनको देख के दुश्मन थर थर कांपते हैं, जिद्दी इतने के बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। गाल लाके पटक दिया। ये बात पता नहीं जरूरी थी, इन्हें ये बताइए कि हम निडर कितने हैं। रोहित जी, ये इतने निडर है, इन्होंने मम्मी फिल्म बिना मम्मी पापा के 4 बार देखी है। 4 बार देखी है बिना पतलून गीली किए। क्या बोले जा रहे हैं, जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर बैठी हैं, आप उनके सामने ये सब मत बोला कीजिए। देखिए अब्बा हुजूर, जैकलीन जी यहाँ बैठी है तो हम खामखा आपसे बातें कर रहे हैं। जैकलीन जी, आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, इल्तिमास है, क्या 15 मिनट में आप पे लाइन मार सकता हूँ? गुस्ता, आपके वालिद आपके अब्बा हुजूर यहाँ पर खड़े हैं और आप ऐसी अहमकाना हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। बेटर बेटर, आई एम सॉरी। पूजा जी, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगी हमारे साथ? अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आ रही, औलाद सामने खड़ी है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप? तो ठीक है, आज के बाद आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे। डन अब्बा हुजूर, डन है।
ठीक है अकबर बंटा है और क्या बोलते आइटम क्या बोल रही ली बंटा है रुक जाइए ये तो लगता है हमारे दरबार का वक्त हो गया है। अमूमन दरबार हम अपने महल में लगाते हैं लेकिन आज आप लोग यहाँ पर जहीन लोग मौजूद हैं, हम अपना दरबार यहीं लगा लें। ठीक है तो फरियाद सुनाइए। कोई फरियाद? अरे आपका क्या है? गाना नहीं सुनना है आपका, फरियादी को बुलाइए वो फरियाद सुनाएगा। इट्स माय वे और स्काई वे, और तुम्हें देख के लग रहा है कि सबका खाना तुम्हें खाई वे। ये भैंस चुराने की सजा तो हम काट चुके हैं, फिर पुलिस क्यों आई है? पुलिस नहीं हूं मैं, मैं कलाकार हूं, फरियादी हूं मैं, फरियादी हूं। अरे यार ओ सिंगम भाई ओ, क्या बात है यार, अब बात क्या बात दादा? अरे आप कलाकार हैं ये पहले बता देते ना, खामखा हमारे अब्बा को भी पेंट गीली हो जाती। अरे पेंट गीली हो जाती तो धो देता मैं अभी के अभी, निचोड़ देता मैं अभी के अभी, सुखा देता मैं अभी के अभी। जयकांत सिकरे? हम जयकांत सिकरे नहीं, हम बादशाह अकबर हैं। हाँ तो अकबर सिकरे। अकबर सिकरे रोहित जी। Oh yeah. Oh God. आपने मेरी सिंघम के बात पे सिम्बा बनाई मैंने कुछ नहीं कहा, आपने सूर्यवंशी बनाई अक्षय के साथ पे मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आज मेरी मेरी गोलमाल की टीम को लेके आपने सर्कस बना दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करूंगा मैं। और हवलदार केलकर, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ खेलकर। बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा सपना। अरे सिंघम भाई सपना यहाँ पे नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है, इन्होंने मेरे सपना को भी नहीं लिया, हमें तो अपनों ने लूटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हमें तो अपनों ने लूटा। खेड़ों में कहा दम था, आपने मुझे अपनी मूवी में नहीं लिया, क्या मेरी गोलमाल में ह्यूमर कम था? रुकिए रुकिए रुकिए, आप जरा अपनी फरियाद बताइए हमें अभी के अभी। फरियाद फरियाद तो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। क्या बात, जो मैं बोलता हूं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। It's my way और sky way। क्या बात है? जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। It's my way और sky way। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। It's my way और sky way। It's my way और sky way। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। It's my way और sky way। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अपना अपना करो, अपना अपना ऊपर करो। अपना करते हैं, अपना करते हैं। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप, आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बादशाह अकबर खड़े हैं? तो बैठ जाना भाई। सुनो इसके ऊपर मत बैठना, कैपेसिटी नहीं है बेचारे। अब्बा हुजूर आपसे हजार बार कहा है जब कोई अक्षय कुमार की मिमिक्री करे तो बीच में मत बोलिए आप। चल चल अपने बाप को मत सिखा जा। बादशाह टाइप दिखने वाले आदमी, मैं आपके लिए एक फरियाद लेकर आया हूँ। सुनाइए। साल में 8-8 मूवी भी तू लेकर आए, और आज फरियाद भी तू ही लेकर आएगा? नहीं गलत है ये, गलत है रोहित जी। सुनिए हेलो, गलत वलत कुछ नहीं है, ज्यादा बेकार तो मेरे साथ हुआ है। ओहो, मैं रोहित जी को कॉल करता था, मैंने कहा मिल लो प्लानिंग कर लेते अगली फिल्म की, तो बोलते हैं कि मैं 12 बजे फ्री होके 1 बजे मिलूंगा रात को, जबकि इनको पता है कि मैं 9 बजे सो जाता हूं। ये क्या बात है, क्या बात है? रोहित साहब मैं आपको कहना चाहता हूं ये चीटिंग की है, मैं सच बता रहा हूं, चीटिंग की है। माइंड ब्लोइंग यार, क्या बात है यार, क्या बात है,
बड़ा दुख हो रहा है आपकी बातें सुन के। लग रहा है जरूर आप दोनों के बीच कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फूट डाल रहा है आप दोनों के बीच। फूट फूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, बर्दाश्त चाहिए मेरे भाई साहब। हेलो, तो आप चिल्लाते रहते हो, चिल्लाओ थोड़ा कम, आस पास में शूट चल रहा है। शूट शूट बर्दाश्त चाहिए मुझे, बर्दाश्त चाहिए। सिंघम साहब थोड़ा थोड़ा गुस्सा थूक दीजिए। थूक बर्दाश्त चाहिए मुझे, क्या थूक बर्दाश्त चाहिए। थोड़ा पानी पी लो भाई, एक आध घूट पानी पी। बर्दाश्त चाहिए मुझे, खूब बर्दाश्त चाहिए। लगता है ये आदमी रुकने नहीं वाला है, हमें निकलना चाहिए। आप ऊंट निकालिए हमारा। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि जो सिंघम साहब है उनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, ना शूट बर्दाश्त है, ना घूंट बर्दाश्त है, ना थूक बर्दाश्त है, ना ऊंट बर्दाश्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे रूठ गए हैं। भाई रिलैक्स, रूठ रूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे। नहीं, मैं मजाक कर, रूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे, रूठ बर्दाश्त चाहिए। मुझे छेड़ रहा है तू, रूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे, रूठ बर्दाश्त चाहिए मुझे। एक बार हमारी सर्कस की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रोहित सर, ये सीजन जब से शुरू हुआ है, मुझे लगता है आज और कल हमने जितना मजा किया, जितना हंसे, हम लोग शायद ही कभी इतना हंसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। और ये श्रेय रोहित सर को जाता है, बिकॉज पूरी टीम को साथ में लेके आना। और रणवीर पाजी, लव यू, आप जब भी आते हो एनर्जी आती है।